गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम ऐसे होटल के बारे में बताएंगे कि जो लोग होटल में जाते हैं वो तो एंजॉय करते हैं, और जो नहीं जाते हैं वो कम से कम वीडियो देखकर ये एंजॉय कर सकते हैं कि यस होटल में आखिर होता क्या है। तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी किसी होटल के रूम में हम जाते हैं तो हमको कुछ इस तरीके का एक चाबी दिया जाता है। ये रही चाबी, और ये बड़ा सॉफ्ट सा कार्ड है, और इसमें हमने लगाया तो ये लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर ये टेम्परेचर सेटिंग का सिस्टम होता है कि नॉर्मली अभी टेम्परेचर 27 इसका सेट है, तो 27 को आप अप डाउन करके घटा सकते हैं। नॉर्मली ये 20 डिग्री और 21 डिग्री पर सेट होता है। तो जब आप रूम के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत ठंडा सा लगता है, जो कि कंफर्टेबल होता है, बट कुछ देर के बाद फिर ये टेम्परेचर हमको गर्म बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसके लिए फिर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो आपको बढ़ाने का यहाँ पर ये वाला जो बटन है, ये वाला, इसको अप डाउन करके आप टेम्परेचर को बढ़ा घटा सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर जब ये इंसर्ट कर दी की, उसके बाद रूम की लाइट, और फिर ये रूम कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर जाके लोग थके मादे आते हैं तो वो यहाँ पर एक बार देखते हैं कि वाह क्या बेड हैं, बेड के ऊपर नज़र मारेंगे। उसके बाद ये कुछ लगेज होता है तो ये अपना लगेज नीचे लगेज रख देते हैं। उसके बाद ये लॉकर है, यहाँ पर कुछ कपड़े रखते हैं। ये दो बेड है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे पिलो है, वाइट कलर की चद्दर लगी होती है, और यहाँ पर एक टीवी भी लगा हुआ है। तो आपने एक नज़र में पूरे कमरे को देखा। ये कर्टेन भी है सामने, और कर्टेन भी ऑटोमेटिक ओपन क्लोज होता है। अब आजकल हम देखते हैं कि इस कर्टेन को कैसे हटाएं, बाहर का सीन कैसे देखें, मैं अभी बताऊँगा आपको। तो यहाँ से जाके जब लोग थक जाते हैं तो जाके यहाँ पर बैठते हैं। ये आपको टेबल चेयर है, और टेबल चेयर के पास में आपको यहाँ चाय बनाने का खुद ही रखा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे पानी की बोतल, रेगुलर वाटर बोतल, और दूसरी बोतल एक चार्जेबल बोतल है, और ये फ्री वाली बोतल है, आप ये समझो। केटल भी है, दो चम्मच हैं, और यहाँ पर ये कुछ चाय का सामान है। कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, अमूल का पाउडर है, मिल्क पाउडर, वो आप डाल के चाय में। तो आपको करना क्या है, इस बोतल के पानी को लेके इसके अंदर डाल देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं। जब ये ऑन करते हैं तो ये लाइट जल जाती है। यहाँ पर मैंने अभी ये प्लग निकाला हुआ है, तो ये मैंने ऑन कर दिया, और इसके बाद ये बटन दब गया। इसको चाहो तो आप ऑफ कर सकते हो और ऑन कर सकते हो। जब ऑन करते हैं तो फिर अपने आप ये पानी बॉयल होके और ये लाइट बंद हो जाती है। तो ये केटल और ये दो कप रखे हुए हैं, तो मैंने इसमें से एक कप उठा के, और उसमें अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ कॉफ़ी का एक ही पाउच है, एक पाउच मैंने कॉफ़ी सुबह में पी ली, और यहाँ पानी का गिलास भी है। कुछ ये मेटल भी रखा होता है यहाँ पर कि ये कैसोनट है, डिलीशियस कैसोनट, इसके ऊपर पैसे लिखे होते हैं। तो ये पैसा ऐसा ही है कि जिसको आप उठा के खा सकते हैं, बट ये चार्जेबल होता है। इसके ठीक नीचे आप देखेंगे कि ये तो ऐसा ही है, बट इसके नीचे एक फ्रिज रखा रहता है। फ्रिज के सामने भी आपको देखेंगे तो इसके अंदर भी कुछ सामान रखा हुआ है। आप देखो ये कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, कुछ ये सोडा एंड वाटर, तो इसमें से निकाल के भी आप कुछ पी सकते हैं, बट इसको बोलते हैं मिनी बार। तो ये आपका स्टडी, आप यहाँ लैपटॉप खोल के बैठ के अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। यदि आपको कोई गेस्ट आता है तो यहाँ सोफा भी है, उसके ऊपर बैठ के आप बात कर सकते हैं। उस पर टेबल भी पड़ी होती है, इस पर गेस्ट बैठता है, आप भी बैठते हैं, और इसके ऊपर भी बैठ के
आप डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइट भी है, लाइट ये जला के आप इस खाली इस पोर्शन को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर कि जब आप बेड के ऊपर बैठते हैं तो आपको बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि बेड पर बैठते से ही ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो सबसे पहले बैठने के बाद आपको दिखते हैं ये वाली चीज़ कि ये क्या है। हालांकि लाइट बंद होते हैं तो ये कभी कुछ ऐसे नज़र आते हैं तो कभी ये नज़र आते हैं। इसका एक स्विच होता है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये एक तरह से सर्च लाइट है, ये मैंने सर्च लाइट ली और इसके ऊपर ये लगा दी। ये सर्च लाइट को मैं अभी बंद कर देता हूँ। यहाँ पर एक मास्टर, इस पर लिखा हुआ माया होटल लिखा हुआ है, ये देखो। इसके ऊपर एक कंट्रोलर है पूरे रूम का, इसका नाम है वॉल वॉशर। तो वॉल वॉशर का मतलब है कि इस बटन को मैं दबाता हूँ तो देखो ये लाइट कुछ जली कम हुई, यानी वॉल वॉशर। ये ऊपर एक लाइट है, ये यानी इस लाइट का कंट्रोल है कि इस बटन को दबाएंगे तो ये हमारी लाइट। फिर दूसरा बटन आता है कोब, ये कोब का बटन दबाएंगे तो देखो ये लाइट है, ये इसको कोब की लाइट है। इसको यदि मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो कोब की लाइट जलती बुझती है। उसके बाद तीसरी बटन है बेस्ट ब्लू, इसको भी दबा के देख लेते हैं। ये बेस्ट ब्लू का मतलब है कि ये फ्रंट गेट के पास जहाँ पर है वहाँ पर लाइट जलती बुझती है। उसके बाद आप आइए यहाँ पर दूसरे नंबर पर, ये स्टडी है। स्टडी बटन है तो आप देखें कि ये इस स्टडी की लाइट है। आपको ये लाइट जलानी बुझानी है तो आप बंद कर सकते हैं। कितना अच्छा लगता है ये। इसके बाद है, इसने दिखाया है दूसरा बटन जनरल लाइट है। तो ये जनरल लाइट है, जब सारी लाइट बंद होती है तो उसके बाद ये जनरल लाइट भी, यानी एक ही बटन है यहाँ पर देखो मास्टर। इस मास्टर बटन को दबाते हैं तो ये पूरा अंधेरा हो जाता है, यानी थोड़ी सी लाइट यहाँ जल रही है। आपको जब सोना है तो आप मास्टर बटन दबा के आराम से सो सकते हैं। और उसके बाद एक बटन रह जाता है आपका ये वाला, ये तो ये स्टडी लाइट के पास एक बल्ब है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने सभी बटन देख लिए हैं, एक जनरल बटन भी देख लिया, मास्टर भी देखा। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग देखिए कि यहाँ पर ये वाला लिखा हुआ है कर्टेन ओपन। तो ये मैं कर्टेन ओपन का बटन दबाता हूँ तो ये देखिए कर्टेन ओपन होने लगा। मुझे नहीं लगता कि इस रूम में आने के बाद हम देखते हैं कि यार कर्टेन को कैसे, मैं यहाँ इसको यहाँ रास्ते में ही रोक देता हूँ, ये देखो रास्ते में रुक गया। इसको मैं यहाँ से डाउन करता हूँ तो ये दूसरा बटन है यहाँ कर्टेन क्लोज, ये देखिए कर्टेन क्लोज। तो मैं कर्टेन क्लोज को दबा देता हूँ तो ये आपका कर्टेन क्लोज होने लगा। तो आप देखिए कि इस रूम में बैठने के बाद हमको ये पर्दा कैसे ऊपर उठाएं, कैसे नीचे बंद करें, यही हमारे वो पता नहीं। मैं भी देखता रहा कि साइड में शायद यहाँ कुछ दो धागे लटके होते हैं, दो डोरी लटकी होती है जिनको खींचते हैं जिससे ऊपर नीचे होता है, पर यहाँ ऐसा कुछ मिला नहीं। तो मैंने भी सोचा कि आज मैं यहाँ पर किस तरीके से इसको कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए जिससे कि आपको भी घर बैठे होटल के रूम के बारे में पता लग जाए।
तो ये कर्टेन ओपन क्लोज हो गया। दूसरा है डू नॉट डिस्टर्ब, जो ये बटन है, यदि आप इसको बंद कर देंगे तो कोई आएगा नहीं। दूसरा है सर्विसेज, क्या आपको चाहिए, आप सर्विस का बटन दबा देंगे तो ये नीचे रिसेप्शन पर चला जाएगा, या रूम, जो रूम सर्विस वाले होते हैं उनके पास चला जाएगा। तो इस तरीके से ये माया होटल का ये कंट्रोल, मास्टर कंट्रोल बॉक्स, जहाँ नॉर्मली ये अपने आप में कुछ लिखा नहीं है, तो हमारे लिए ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं लाइट कहाँ से जलाऊँ। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पर, यहाँ कोई स्विच नहीं है लाइट का, इस पूरे रूम में कहीं कोई स्विच नहीं है। आप देखेंगे कि मैं इस कमरे में लाइट बड़ी कम है, तो मैं कहाँ से इसको जलाऊं, तो वो अपने आप में ही हम समझते हैं कि शायद मुझे आता नहीं। दूसरा, यहाँ एक सॉकेट रहता है जिसमें आप मोबाइल चार्जर लगा के ये और अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इनमें बड़ा ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी डेलिकेट होती हैं, क्योंकि ये कई बार निकल भी जाती है, ये इनका टेलीफोन, जहाँ से रिसेप्शन पे नॉर्मली लोग बात कर लेते हैं। ये भी मैंने दिखाया आपको कि ये जो लाइट है, ये इसको मैं ऑन ऑफ करके, रीडिंग लाइट बोलते हैं। दूसरा, इसके ऊपर नॉर्मली ये जो चादर है ये वाली, तो ये पड़ी रहती है, इसको लोग हटा देते हैं क्योंकि ये डस्ट ना हो, तो इसको हटा के फिर हमारे पास ये नॉर्मली इसी तरह से ये रहते हैं, तो इसको हटा के और आप लेट जाते हैं। दूसरा, पिल्लो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, तो आपको जो पिल्लो अच्छा लगे वो पिल्लो आप लगा सकते हैं। इसके नीचे कुछ सामान भी रखने का होता है, आप चाहें तो अपना मोबाइल कुछ रख दें, बट ये ना भूलें कि शायद हम, जैसे मैंने कुछ रखा हुआ है यहाँ पर, पर्स रखा हुआ है, तो ये ना भूलें कि आप यहाँ छोड़ जाएं। इसीलिए जो भी सामान हो उसको आप ऊपर ही रखें, अंदर ना रखें। यहाँ पर ये लॉकर भी है कि आपकी कोई कीमती चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। दूसरा, ये बाथरूम है, बाथरूम में भी बड़ा मुश्किल होता है कि जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि टोटी कहाँ से खोलें, कई बार टोटी खोलने का भी कोई बटन नहीं होता। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है कि ग्लास है, और यहाँ मैंने थोड़ा सा ये खोला, पानी आ गया। इसमें लेफ्ट करते हैं तो हॉट वाटर आता है, इस तरह से कहते हैं, जो आप समझो नॉर्मल वाटर आता है। इधर करेंगे तो आपका कोल्ड वाटर, सेंटर रखेंगे तो ना गर्म ना ठंडा, इधर करेंगे तो आपका हॉट वाटर। ये आप ध्यान रहे, कभी भी जब भी आप जाते हैं तो इसको ऐसे ही करके खोलें, ये ऐसे ही खोलें तो ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा बहुत डेलिकेट हैं, शीशे के ऊपर फिट हैं, इनके ऊपर ताकत लगाने का कोई भी काम नहीं है। तो आपने ये नई वॉश बेसिन, यहाँ कुछ सामान भी रखा रहता है, तो कुछ ट्यूब्स हैं, लोशन वोशन की होती है, क्रीम की होती है। नॉर्मली कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इनके ऊपर कुछ लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर कुछ सोप लिखा हुआ है, इंग्लिश सोप। तो इसमें ट्यूब को कई बार लोग यूज करते हैं, कई बार अपने साथ लेके आते हैं, तो रेगुलर जो ट्रैवलर होते हैं वो अपने साथ ही लेके आते हैं। यहाँ पर ये हेयर ड्रायर भी है, जो कभी बालों को सुखाने के काम आता है, इसके लिए भी बड़ा छोटे से स्विच आप देखेंगे कि यहाँ स्विच जो है, ये एक तरह से टच बटन है, एक बार दबाओगे तो ऑन हो जाएगा, दोबारा दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये स्विच भी स्पेशल है यहाँ पर। एक ये मोस्टिच मिरर कहते हैं, इसको देखो किस तरीके से इन्होंने सेट किया हुआ है, ये किया और उसके बाद फिर ये लगाया, और देखो मैंने खुद ही ये आपको दिखाया कि हम इसमें से अपनी किस तरीके से इसको शेविंग करते हैं, तो इसमें देख के फिर आप अपनी मूंछों की कटाई कर सकते हैं। और इसको देखो किस तरीके से इसने फ्लेक्सिबल तरीके से ये और इसके साथ सेट कर दिया, आपको पता ही नहीं लगता कि ये क्या चीज़ है। नॉर्मल चीज़ में तो आपको पता लगेगा कि क्या है, तो ये मिरर कहते हैं, जिसमें कि आप जब दाढ़ी बनाते हैं तो मूंछ काटने के लिए आप इसको फ्रंट में करके और कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन ही चीज़ दिखाई थी कि आप वॉश बेसिन में सोप और ये इनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरा ये तो फ्लश का तो सिस्टम आजकल है ही कि लोग नॉर्मली एक बटन होता है जिसको आप दबा देते हैं तो ये फ्लश हो जाता है। यहाँ पर साइड में ये नोजल वाला रहता है, नोजल स्प्रे। ये आपके आजकल देखो ना, कुछ लोग घर जो आके देखते हैं कि यार इसमें वो क्या बोलते हैं उसको, डब्बा मग्गा, वो मग्गा नहीं है, पानी भर के का रखे हैं, तो मग्गा तो है ही नहीं। तो मग्गे की जगह आजकल ये आप समझ लो कि ये दे दिया गया है। तो इसकी इसको दबा के इसमें से पानी आ जाता है। यहाँ मुझे जरूरत पड़ती है तो ये फोन भी लोग यहाँ से कर लेते हैं। चैम्बर है, इसको आप प्रेस करेंगे। इसमें भी कई बार लोग देखते हैं कि क्या करें, यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है। एक तो या तो ये शावर दिखता है, या आपको ये दिखता है, या फिर नीचे दिखता है। तो इस शावर में भी आपको है कि ये वाला जो नोब होता है, इस नोब में से ये पानी तो बाहर करते हैं, बाहर को खींच लो तो पानी आने लगेगा, दबा दो जिस तरह की पोजीशन है तो बंद हो जाएगा। लेफ्ट साइड करेंगे तो आपका ठंडा पानी आएगा, राइट में करेंगे तो गर्म पानी आएगा, और सेंटर में करेंगे जिस तरीके से ये दिख रहा है तो आपका नॉर्मल पानी आएगा। दूसरा है कि इसके अंदर एक लीवर रहता है, ये लीवर है। इस लीवर में यदि मैं प्रेस करता हूं तो ये आपको देखना है कि नॉर्मल खोलते हैं तो नीचे वाले टैप से पानी गिरता है, और यदि इसको बाहर खींचा और फिर इसको नोजल को दबा देते हैं लीवर को, तो ये फिर हमारा शावर के थ्रू पानी आता है। तो आपको अलग से कुछ नहीं है, बस वो लीवर एडजस्टमेंट है कि लीवर को आप आगे करेंगे तो नॉर्मली इसी में फंसे रहते हैं कि इस लीवर का क्या करें, ऊपर तो पानी आ नहीं रहा। तो उसके लिए आप समझ लो कि ये वाला चीज है, इसको हम दबा देते हैं तो पानी आ जाता है। तो यहाँ पर नहाने के लिए आपको गर्म ठंडा दोनों पानी मिलते हैं, और इसको आप बंद कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये जगह रहती है केवची जिसके अंदर साबुन रख सकते हैं। यहाँ आपका ये एक इन्होंने कर्टेन भी दिया हुआ है। ये इस कर्टेन में आप देखेंगे, यदि मैं इसको उठाता हूँ, वैसे नॉर्मली ऐसे पंगे नहीं लेने चाहिए, जो कई बार ऐसे उठाने से ये वैसे टूट भी जाते हैं। ये देखो कुछ हो नहीं रहा, मैं चलो दूसरी तरफ वाले खींचता हूँ, तो नीचे जा रहा है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ होती है इसमें, इससे बहुत ज्यादा पंगे नहीं लेते, करी तो पता लगा कि नीचे गिर जाएगा। हालांकि इसके बैक साइड में ये देखो रूम है, यदि आपने यहां से इसको ऊपर कर दिया तो ये नॉर्मली रूम से भी आपको दिखाई देता है। तो ये हमारा बाथरूम, किस तरीके से यहाँ को टावल रखी होती है, छोटे साइज की टावल यहाँ होती है और बड़े साइज की टावल ये होती है। तो आप इसमें से जो भी टावल इस्तेमाल करते हैं उसको आप करते हैं। एक टावल ये नीचे भी रखी होती है, आप देखो मैं दिखाऊँ, ये नीचे भी टावल होती है। इस टावल को नॉर्मली खोल देते हैं ताकि आप जब नहा के निकलते हैं तो आपके पैर भीगे होते हैं तो स्लिप ना करें, इसकी वजह से इस टावल के ऊपर भी हम खड़े हो जाते हैं और अपने पैरों को पोंछ देते हैं, जिससे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लास्ट में सफाई, मोदी जी सफाई का ध्यान रखते हैं। तो कुछ भी यदि आप एक्सेस मटेरियल आता है, जैसे पॉच है कुछ है, तो यहाँ ये डस्टबिन रखी होती है, इसमें आप इसको डाल देते हैं। तो ये वीडियो आपको इस रूम की, और हम किस तरीके से, यहाँ टीवी भी लगा हुआ है, तो टीवी में भी एक प्रॉब्लम रहती है कि टीवी को कहाँ से ऑन करें। यहाँ देखो कोई भी कुछ नहीं है, टीवी बस ऑन है, और इसके साथ एक रिमोट रखा हुआ है। तो आप एक एक करके इस पर चैनल बदलते जाते हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं कि कौन सा न्यूज़ चैनल चाहिए। तो अच्छा यही होता है कि बेटर को बोलो कि भाई मुझे हिंदी चैनल लगा दीजिए, तो वो आके लगा देता है। यहाँ देखो इस होटल में इन्होंने कोशिश किया है, कितने अच्छा डिजाइन दिया है, ये डिजाइन दिया है, इधर भी इन्होंने डस्ट दिया है। तो वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एयर कंडीशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो इंटीरियर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होटल ने काफ़ी कुछ अच्छा
अरेंजमेंट है और बहुत नीट क्लीन इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो मैं एक तो इनको धन्यवाद बनता ही है, तो मैं इनके इस रूम की सफाई के लिए और आज लेटेस्ट टाइप के इस रूम को बनाने के लिए, कहीं तो कहीं न कहीं मेरा दिल करता है कि इस होटल के ओनर के लिए धन्यवाद देना चाहिए। और यहाँ पर ये जो सोफ़ा है वाकई बड़ा नीट क्लीन, और आप देखो इतना कॉम्पैक्ट जगह में टेबल भी है, मिनी बार भी है, ऊपर चाय का जुगाड़ भी है, और इधर सोफे पे बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर घर बैठे आनंद ले सकते हैं कि एक अच्छा होटल जिसमें एक दिन का किराया नॉर्मली कोई 3,000 रुपये 4,000 रुपये होता है, तो आप ऐसे रूम का इंजॉय करते हुए और अगले वीडियो की तरफ फिर से इंतज़ार करते हुए मैं एक बार अपने यूट्यूबर को यूट्यूब वालों को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे वीडियो देखते हैं, इसीलिए हम नए नए वीडियो बनाते जाते हैं। थैंक यू, बाय बाय।